श्री गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गुरु गोविंद सिंह जी और चार साहिबजादों के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। उसके पश्चात विद्यार्थियों एवं स्टाफ के सदस्यों द्वारा साहिबजादों की वीरता और बलिदान का वर्णन करती हुई कविताओं का गायन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के वरिष्ठ जिंदर सिंह भाटिया ने छोटे साहिबजादों की शहादत का इतिहास बताया। सेवानिवृत्त शिक्षक शरणजीत सिंह भाटिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर जी से लेकर साहिबजादों तक की शहादत का वर्णन करते हुए अपनी पाकिस्तान यात्रा के संस्मरण भी बताए। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। मेरे सारे विद्वान भी इस संस्था के संचालक कालू भाई और प्रिंसिपल साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमको हमारी पाकिस्तान यात्रा याद करवाई और गुरु चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप नहीं हम सभी फिर वहाँ की यात्रा करें। आज हम अब वैसे ही छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, शायद इन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, बड़े बच्चे भी हैं वो समझने की कोशिश करें कि आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। पता नहीं मेरे से पहले वक्ताओं ने ये बात समझा भी दी होगी, ये वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे शहीद हुए थे, उसमें दो छोटे साहिबजादे जो कि 7 और 9 वर्ष की उम्र के थे और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम कर दिखाया कि सारी कौम उनको रहती दुनिया तक, जब तक ये अपन कहते हैं ना सूरज चांद रहेगा, तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक कौम उनको याद करती रहेगी। ऐसा काम 7 और 9 साल के बच्चों ने कर दिखाया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है और क्या वह ऐसी शहीदियां प्राप्त कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे थे जिनको कि पंजाबी भाषा में साहिबजादे कहा जाता है, गुरुओं के बच्चों को साहिबजादे कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी, वो भी सिख धर्म के 9वें गुरु रहे हैं, उन्होंने भी अपना सर कटवा करके शहीदी दी थी। और ये सर क्यों कटवाया गया, कोई उनको किसी प्रकार की सजा नहीं थी, उस समय के शासक जो मुस्लिम शासक थे औरंगजेब जैसे, वह हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे थे। उनका सोच ये था कि इस देश से सारे हिंदू को मैं या तो मुसलमान बना दूं और नहीं बनते हैं तो उनको खत्म कर दूं। जब इस तरीके से अत्याचार हुए तो कश्मीर पंडित, कुछ पंडित लोग जो कि हिंदू धर्म के मुखिया थे, वो गुरु तेग बहादुर जी के पास सहायता के लिए आए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने ये कह दिया कि जाओ अपने बादशाह को जाकर के कह दो कि यदि वो गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम बना देते हैं तो हम सब मुस्लिम बन जाएंगे। बड़े खुश हुए पंडित और जाकर के उन्होंने बादशाह को ऐसा ही कह दिया। बड़ा ही मैं शॉर्ट में बता रहा हूं,
तो गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि यदि एक व्यक्ति को मुस्लिम बना दिया जाए तो जब सारा हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज बनने को तैयार है तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो गया। जो काम इतने लोगों के लिए करना था वो एक के साथ ही कर लेंगे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। और उस बादशाह को अपने बादशाही का बड़ा घमंड था। गुरु तेग बहादुर जी को बुलवाया गया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ में 3 सिख भी आए थे, जो कि मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी नाम के 3 सिख भी आए। गुरु तेग बहादुर जी को और सिखों को तमाम कष्ट दिए गए। गुरु तेग बहादुर जी के लिए उन्होंने ऐसा पिंजरा बनवाया कि जिसमें ना वो बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना दाएं मुड़ सकते थे, ना बाएं मुड़ सकते थे। उसमें ऐसी कीलियां लगा दी गई थी कि यदि वो पूरी तरह से खड़े होते हैं तो उनको ऊपर की कीलियां चुभती थी, बैठते हैं तो नीचे चुभ रहा है। तो बड़ा ही कष्टदायक वो पिंजरा उनको बना दिया और उसमें उनको कैद कर लिया गया था, इसलिए कि इस भय से, इस कष्ट से वो मुसलमान बन जाएंगे। और उन्हीं के सामने उनके 3 जो सिख आए थे साथ में, उनको भी ऐसी कष्टदायक शहीदियां दी गई। एक हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।